अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भाई आज तो मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। बैड लक फॉर साउथ अफ्रीका, गुड लक फॉर टीम पाकिस्तान और बैड ड्रीम फॉर टीम इंडिया इफ दे फेस पाकिस्तान इन फाइनल। सो गुड लक फॉर टीम पाकिस्तान फॉर सेमीज एंड फाइनल्स। थोड़ी सी डेप्थ में आते हैं आज के मैचेस के हवाले से, दो इम्पोर्टेंट मैचेस। तीसरे मैच को मैं कोई अहमियत नहीं देता, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के। मैं वैसे भी शुरू से ही अहमियत नहीं देता था इंडियंस को, अभी भी नहीं देता। पहला मैच साउथ अफ्रीका की वही बैड लक जो कि उनके साथ हमेशा से लगी हुई है कि मेन इम्पोर्टेंट मैचेस में आके वर्ल्ड कप के वो हार जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे किसी भी टीम से हो। थ्रू आउट टूर्नामेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आते हैं वो, मगर एट द एंड आके वो इस तरह से हार जाते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या ये वही टीम है जो इस तरह से खेलती हुई आ रही थी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान वर्सेस सबका पाकिस्तान। बांग्लादेशियों कोई बात नहीं, खेल है होता रहता है। एम्पायरिंग का एक डिसीजन आज भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, शाकिब उल हसन का थोड़ा सा ऑड लगा, बट क्या कह सकते हैं, मैच आज नसीब पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान जीत गया। मे बी पॉसिबल अगर वो आउट नहीं दिया जाता तो पॉसिबल है कि बांग्लादेश का स्कोर कुछ और होता और मैच थोड़ा सा और टफ जाता, मगर फिर वही बात कि आज नसीब पाकिस्तान का था, दुआएं पाकिस्तानियों की थी, मगर बांग्लादेशियों दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान वर्सेज सबका पाकिस्तान, उस तरह से आप लोगों के लिए मौजूदा पाकिस्तान आपका पुराना पाकिस्तान है। जीत पाकिस्तान ही रहा है, यानी कि चाहे हम जीतें चाहे आप जीतो, जीत पाकिस्तान की ही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।